नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ कई समय से लड़ाई लड़ रही कांग्रेस की पार्षद वंदना मांडरे को आज नगरपालिका ने दिया धोखा। बता दें कि करीब 2 साल पूर्व वंदना मांडरे ने सिंध नदी पर बन रहे एनिकेट को लेकर एक आरटीआई लगाई थी। इस आरटीआई का जवाब पिछले 2 सालों में नहीं दिया गया, पर आज जब राज्य सूचना आयोग ने उनसे जवाब देने को कहा तो नगरपालिका के सूचना अधिकारी ने 649 पेज की एक रिपोर्ट आवेदिका वंदना मांडरे को थमा दी। इस रिपोर्ट पर सूचना अधिकारी ने केवल प्रथम पृष्ठ पर ही हस्ताक्षर किए, बाकी के सभी पृष्ठ बिना हस्ताक्षर के ही दे दिए। यानी यदि वंदना मांडरे इस ओर ध्यान नहीं देती तो उन्हें सत्यापित प्रतिलिपि के नाम पर दिए गए दस्तावेज केवल आधारहीन ही होते। हालांकि इसकी शिकायत वंदना मांडरे ने राज्य सूचना आयोग से तुरंत ही कर दी, जिसके बदले में उन्हें आश्वस्त कराया गया कि सूचना अधिकारी पर जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। यहां आपको यह भी बता दें कि राज्य सूचना आयोग के सामने ऐसे 5 लोग पहुंचे थे जिन्होंने कई समय से नगरपालिका पर आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी, लेकिन नगरपालिका में सूचना अधिकारी किसी भी आरटीआई का जवाब नहीं देते। या यूं कहें तो नगरपालिका में सरकार के कोई भी नियम कायदे कानून नहीं चलते। आखिर ये मामला क्या आप समझती हैं जो पेपर आपने निकलवाए हैं? बताएं क्या हुआ आपके साथ में? एक मिनट थोड़ा सा। देखिए, मैंने सूचना के तहत मैंने नगरपालिका में आवेदन लगाया था और ये करीब हमने जून 16 में आवेदन लगाया था सिंध नदी पर जो ये बांध बनाए गए उसके संबंध में। तो हमने प्रथम अपील जो की थी उस अपील के ऊपर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमें राज्य सूचना आयोग में हमने आवेदन लगाया था, जिसके ऊपर से आज राज्य सूचना आयोग यहाँ आए हुए हैं और उनके सामने जो नगरपालिका ने हमको जो पेपर्स दिए तो उस पेपर्स में उन्होंने जो प्रथम जो कागज़ है आप देखिएगा तो उसमें यहाँ ये हमको 39 जो पेपर दिए हैं पूरे उसमें फर्स्ट पेज है, सिर्फ यहाँ इन्होंने साइन कर दिए। मतलब कितना नगरपालिका आंखों में धूल झोंकती है आप ये देखिए, और एक भी कागज पर कहीं भी सील नहीं लगी हुई है। आप देखिए, अब सील लगी है लेकिन कहीं भी सिग्नेचर नहीं है पूरे पेपर्स पर। तो मैं दोबारा सूचना राज्य सूचना आयोग जो अंदर बैठे हुए हैं आनंद दीप साहब, उनको मैं बताने के लिए आई हूँ कि सर देखिए कि किस तरह से ये नगरपालिका लगातार हम लोगों के साथ धोखाधड़ी करती आई है। आज शासन और प्रशासन के बीच में जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसके तहत जो अधिकार जो दिया है 2005 का सूचना का अधिकार, वो भी हम लोगों को यूज़ नहीं करने दे रही है ये सरकार। तो ये एक तरह से धोखाधड़ी का मामला है। ये आपने कब लगाई थी? ये मैंने जून 16 में लगाई है। 2 साल में हमको ये पेपर मिले हैं, वो भी हमको इस तरह से बिना हस्ताक्षर के पेपर। इतना टाइम क्यों लगाया? अब कुछ ना कुछ तो ये मामला होगा, इसीलिए ये देना नहीं चाहते होंगे हमें पेपर। तो हमने प्रथम अपील में गए, फिर सेकंड अपील में हम राज्य सूचना आयोग में गए, राज्य सूचना आयोग के सामने हमको ये पेपर मिले हैं। तो ये पेपर भी हमें बिना हस्ताक्षर के दिए गए हैं, प्रमाणित पेपर नहीं मिले। क्या माना जा रहा है प्रमाणित नहीं है? प्रमाणित नहीं है ये पेपर, सिर्फ सील लगाई है लेकिन किसी भी अधिकारी के इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं। जो आपने पेपर मांगे थे वो हैं इसमें? अब ये तो मैं घर जाके देखूंगी, क्योंकि ये 600 पेपर हैं, 650 पेपर हैं, तो वो मैं घर जाके देखूंगी कि पूरे पेपर्स हैं कि नहीं है। उन्होंने तो मुझे इलाके यहाँ बंडल पकड़ा दिया, 2 साल में ये बंडल पकड़ा ही नहीं है। अभी ताजा मामला बन्ना जी का आया, 2 साल में उन्हें जानकारी दी गई, वो भी सत्यापित प्रतिलिपि में नहीं, सिग्नेचर पे भी नहीं है। उसको आप कैसे लेते हैं? क्या अभी क्या उसमें अभी क्या होना चाहिए? देखिए, सूचना आयोग का गठन ही इसलिए किया गया कि जिन लोगों के आरटीआई के आवेदनों का समय में निराकरण नहीं होता है या उसके बाद अभिलाषी प्रथम अपील करता है उसमें भी उसको न्याय नहीं मिलता है, तो उसकी अभिलाषी की सुनवाई करके उसको न्याय दिलाया जा सके, इसी उद्देश्य से गठन हुआ है। अगर प्रथम स्तर पे ही सब कुछ ठीक हो जाता सूचना आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही सूचना आयोग में अपील आती है कि ये जानकारी उन्होंने मांगी थी लोग कितने या लोग के अभिलाष संबंधित नहीं दी गई समय सीमा में, तो आयोग सारे पक्षों संबंधित पक्षों की सुनवाई करके आदेश पारित करता है। जहाँ आवश्यक होता है लोग सूचना अधिकारी को छोटा नोटिस भी जारी करता है, कई लोग सूचना अधिकारी को दंडित भी किया जाता है। अभी तक सूचना आयोग करीब 1 करोड़ रुपये का दंड जुर्माना लगा चुका है लोग सूचना अधिकारी, कई अपील
विद्यार्थियों को हरियाणा दिलाने का भी आदेश कर रहा है। कई लोग सूचना अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई का भी आदेश दिया। जैसे आज जो वंदना जी के साथ हुआ, दो साल बाद कागज दिए, 640 पेज और सिग्नेचर नहीं था, तो इसमें आप किसकी खामी मानते हैं? सूचना अधिकारी की कमी, सूचना के अधिकार के तहत प्रमाणित जानकारी ही दी जानी दे जाने का प्रावधान है। सत्यापित कागज बहुत थे, शायद 4-5 हज़ार हाँ जो थे, तो वो हस्ताक्षर नहीं कर पाया। उनको जल्दी होगी कि मैं आयोग के सामने आज पेश करूँगी, हम दे रहे हैं उनको निर्देशित करेंगे। गुना नगर पालिका क्षेत्र के न्यू सिटी कॉलोनी में पड़े खाली प्लॉटों पर रहवासियों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। रहवासियों ने बताया कि इन खाली प्लॉटों में अधिकतर पानी भरा रहता है, जिसके कारण कई जानवरों का डर बना रहता है। साथ ही मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, जिससे उनके बच्चों को खतरा बना रहता है। वहीं रहवासी यहां से निकलकर रोड तक भी नहीं जा पाते। आज यहां के रहवासियों ने खाली प्लॉटों के सामने खड़े होकर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि कई बार आवेदन देने के बाद भी नगरपालिका द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। शहीद आरक्षक अशोक उप्रेती की हत्या के आरोपी रंजीत तोमर और सुनील कुशवाहा को आखिरकार गुना पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। आज इसी गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने के लिए पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने कैंट थाना में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडियाजनों के समक्ष जानकारी रखी। साथ ही उन्होंने बताया कि इन दोनों के आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इन दोनों ही आरोपियों को गुना पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन दोनों ही आरोपियों ने 7 फरवरी 2017 को अपराधी को पेशी पर ले जाते रहे आरक्षक अशोक उप्रेती की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही इन दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस को थी। वहीं अगर सूत्रों की माने तो इन आरोपियों को दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग 6 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद गुना पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना की गई और आरोपियों को अपने साथ लेकर आई। लेकिन जब इस संबंध में पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस गिरफ्तारी के दिल्ली पुलिस के सहभागिता को सिरे से नकार दिया। पर ऐसा क्या कारण रहा कि गिरफ्तारी के लगभग 6 दिन बाद आज प्रेस वार्ता कर इसकी गिरफ्तारी सार्वजनिक की गई? साथ ही पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने बताया कि इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सब इंस्पेक्टर राम एएसआई असलम खान एवं साइबर सेल प्रभारी मसीह खान की भूमिका सराहनीय रही है। पिछले साल 7 फरवरी को हमारा एक आरक्षक अशोक रहती गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वो मिलिंग पेशी से लौट रहे थे तो मुंजिम को छुड़ाने का प्रयास हुआ था और उसमें ये घटना असल हुई थी। उस घटना में दो आरोपी उस समय से फरार थे, जिसमें एक मास्टरमाइंड रंजीत तोमर फरार था और एक और व्यक्ति फरार था। उनको दोनों को 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। उनको हमने गाजियाबाद से बड़ी मेहनत से उन दोनों को पकड़ लिया है और इसमें सब इंस्पेक्टर राम और एएसआई असलम और इसमें एएसआई मसीह के द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है और इनको इनाम दिया गया है। उसमें सर कोई और भी अपराध दर्ज इन लोगों के खिलाफ पहले से इनके इनके विरुद्ध पूर्व में भी अपराध दर्ज हैं, उसमें भी जो है ये लोग वांछित थे, तो सभी अपराधों की गिरफ्तारी करके इनके खिलाफ कार्य शुरू किया जाएगा। सर इसमें दिल्ली पुलिस और एसटीएफसी का कोई सहयोग मिला इस तरीके से? नहीं, ये पूर्ण रूप से गुना पुलिस की कार्रवाई थी और अधिकारियों ने बड़ी सूझबूझ और बड़ी मेहनत से इन दोनों को। राज्य सूचना आयोग अधिकारी आनंदीप आज गुना पहुंचे। साथ ही उन्होंने गुना पहुंचने पर विभिन्न विभागों का जायजा भी लिया। वहीं एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई जो पहले कभी मध्य प्रदेश में नहीं होती थी, हमने आपके गुना की भी की कि यहाँ के अपीलार्थियों को, क्योंकि देखिए एक आम नागरिक एक तो आरटीए में जानकारी मांगता है, 10 रुपये लगा डाक खर्च करता है, फिर भी उसको जानकारी नहीं मिली, उसका कोई कसूर नहीं, फिर भी उसका खर्चा होता है। वो प्रथम अपील में 150 रुपये का लगाता है, डाक का खर्चा होता है, फिर प्रथम अपील की सुनवाई मान लीजिए ग्वालियर में हो रही है, वहाँ आना जाना खर्च हो रहा है, फिर सेकंड अपील वहाँ भी संतुष्टि और भोपाल में करेगा, 100 रुपये लगाएगा, डाक खर्च होगा, फिर उसको भोपाल आने जाने का खर्च। तो हमें लगता है कि वो जिसकी कोई त्रुटि नहीं है
वो ये सारा दर्द भुगतता है, उसका समय भी काम भी ख़राब हो रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है। तो सरकारी पक्ष से जो आते हैं सूचना अधिकारी या पीडी अधिकारी, ये तो सरकारी खर्च से उनका TADA भी बनता है और ऑफिस का काम भी प्रभावित होता है। माननीय आयोग के सामने भी ये बात आ रही है ना, हमारे सामने गुना जिले के, आप यहीं की ज़्यादा बात कर रहे होंगे, जितने भी प्रकरण आए सब में ये स्थिति नहीं है। क्या होता है हमारे पास या आपके पास ज़्यादातर लोग वही आते हैं जो जिनको प्राप्त नहीं होती जाती, वैसे लोग नहीं आते जिनको प्राप्त हो चुके, क्योंकि वो सेटिस्फाई है तो वो कहीं शिकायत करने जाने का उनका प्रश्न नहीं। सूचना आयोग के प्रयास के कारण ये देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये स्थिति बनी है कि वर्ष 2016 तक की जितनी भी लंबी तकलीफें थी उनमें से 99% का निराकरण किया जा चुका है पिछले 4 वर्षों में। हम लोगों ने नवंबर 14 में कार्यभार संभाला था, फरवरी 14 में, तब हमको 17,000 लंबी तकलीफें मिली थी और उसके अलावा हर वर्ष नई आ जाती लगभग एक हज़ार, वो अलग है। तो अब 2007 में जिसने जानकारी मांगी उसको 2014 में जानकारी भी मांगी तो उसका क्या उचित रहेगा, उसकी प्रासंगिक पुरानी पेंडेंसी सारी समाप्त करके और ताज़ा अपीलें सुने ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। इसके कारण राज्य सूचना आयोग ने 3-4 नवाचार शुरू किए जो भारत में पहली बार हुए हैं। पहली बार मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार के प्रकरणों के निराकरण के लिए लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया, ये देश में पहली बार हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक अदालत के आयोजन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए देश में कहीं ये किया नहीं गया। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी और हम वकीलार्थियों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाना चाहते थे, इसलिए हमने लोकहित में ये फैसला किया कि हम लोक अदालत में जाके हर संभाग में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का निराकरण। अभी तक मध्य प्रदेश के सारे संभागीय मुख्यालयों पर सूचना आयोग ने लोक अदालत करके हजारों की संख्या में छात्र संगठन DSO ने आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर PG कॉलेज प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्र संगठन DSO ने स्मार्टफोन वितरण में होने वाली देरी, एडमिशन फीस में आ रही समस्याएं, स्कॉलरशिप दिए जाने की देरी करने के समस्याओं से कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया, साथ ही इन सभी समस्याओं के निराकरण की मांग भी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र संगठन DSO के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विद्यालयों में आए हैं उन्हें जहां उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, वहीं निशुल्क प्रवेश के नाम पर उनकी स्कॉलरशिप को खत्म करना, छात्र छात्राओं के 3,000 फीस है तो अभी तक उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, कैसे जमा करेंगे? और दूसरा जिन लोगों की माफ हुई थी उन लोगों से हम भरवाई भी जा रहे हैं, जैसे मेधावी विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति दिए जाने व जल्द से जल्द स्मार्टफोन का वितरण किए जाने की मांग पर ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत विदित हो कि स्नातक प्रथम वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसी द्वारा आज यहाँ पर गुना PG कॉलेज में छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO द्वारा अभी जिस कॉलेज में जो समस्या है, बेसिकली जिन छात्रों के जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भराए जा रहे हैं, लेकिन अभी कॉलेज का आलम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं आई है, इसके चलते जो उनकी एडमिशन फीस है, जो एडमिशन के टाइम पर उनकी माफ़ हुई थी, लेकिन अभी कॉलेज द्वारा उनकी पूरी फीस जमा कराई जा रही है। ऐसे छात्र जिनका कंप्यूटर है और अन्य सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट हैं, उनकी 6,000 के समथिंग फीस जमा करनी पड़ रही है स्टूडेंट्स को, लेकिन जो नियम था कि पहले स्कॉलरशिप आएगी उसके बाद जो स्कॉलरशिप में उनकी एडमिशन फीस आनी चाहिए थी उसके बाद में वो उनको कॉलेज में जमा करेंगे, लेकिन अभी छात्रों की स्कॉलरशिप आई नहीं है और उनको फीस पूरी जमा करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जो छात्र 6,000 रुपये नहीं भर सकते या जिनका कंप्यूटर साइंस है उनकी 10-12,000 रुपये फीस लगती है बायोटेक वालों की, वो भी इस एडमिशन फीस नहीं भर सकते। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिमांड की है कि जो स्कॉलरशिप अभी छात्रों की नहीं आई है अविलंब सभी छात्रों की स्कॉलरशिप दी जाए। दूसरी जो हम लोगों की मांग है कि अभी स्मार्टफोन का मतलब बहुत सारे कॉलेजों में, अशोकनगर कॉलेज में, अलग अलग कॉलेजों में स्मार्टफोन पहले ही दे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को केवल अभी क्या कर दिया है, मात्र उनको कूपन दिए हैं लेकिन अभी स्मार्टफोन नहीं दिए गए हैं। तो हम लोगों ने डिमांड की है कि जितने भी जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके अविलंब स्मार्टफोन वितरित किए जाएँ
साथ ही साथ में जो मेधावी छात्र हैं इनका शासन द्वारा प्रीवियस फीस माफ की गई है। प्रीवियस फीस के अंतर्गत क्या 1000-1200 या 1500 रुपये उनकी एडमिशन फीस लगनी है, लेकिन जिनकी छात्रवृत्ति जो 5000-6000 आनी चाहिए थी मेधावी के नाम पर वो छात्रवृत्ति की में कटौती की गई है। तो एक तरफ से मेधावी बना के छात्रों को स्कॉलरशिप में कटौती करना ठीक नहीं है। जिला रोजगार कार्यालय पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 8 कंपनियों के लोगों को रोजगार देने के लिए हिस्सा लिया, साथ ही लगभग 250 लोगों ने यहां पर अपना पंजीयन कराया, जिनमें से 175 को यहां पर प्लेसमेंट भी दिया गया। वहीं इस संबंध में और भी कई जानकारियां रोजगार कार्यालय अधिकारी ने डीजीएनआर न्यूज को उपलब्ध कराई। आज गुना जिले में जिला स्तरीय एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 8 कंपनी सम्मिलित हुई हैं और 8 कंपनियों ने अभी तक जो रोजगार मेला चल रहा है लगभग जो ना 175 लोगों को चयन किया गया है और इसमें 250 से ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और इस वित्तीय वर्ष का जो अंतिम मेला था और इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में जो मेले होंगे नए तरीके से होंगे और इसी श्रृंखला में अभी हमारा गुना जिले का लगभग टारगेट था वो 1500 का टारगेट था, उसके विरुद्ध हम मतलब 4000 लोगों को प्लेसमेंट करा चुके हैं। निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग क्षेत्र की कमी है, आज एक प्रदर्शनी लगाई गई उसका भी बच्चे लाभ ले रहे हैं। इसी क्रम में जी हमारा आज 8वां मेला था। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन भोपाल की जिला गुना समिति ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर उनके द्वारा किए गए अनिश्चितकालीन हड़ताल की जानकारियां दी। यहां एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि इनकी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक लंबे समय से प्रदेश सरकार से इन मांगों को मनवाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। इसी तारतम्य में पिछले साल भी इनके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि इनकी मांगे जल्द ही मान ली जाएंगी। इनकी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री ने एक समिति का भी गठन किया, लेकिन आज दिनांक तक इनकी मांगों को नहीं माना गया। इसी से गुस्सा इंजीनियर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने आगामी 26 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की ठान ली है। जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान, उसके अंतर्गत जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, उन शौचालयों में हमारी टीम जो मनरेगा की लगी हुई है, उन शौचालय का वो सब कार्य ठप हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत बहुत बड़ा लक्ष्य दिया गया है, वो कार्य बंद हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी नहीं चाहते कि विकास कार्य रुके। पानी पहुँचाने का लक्ष्य, सिंचाई के आंकड़े आज 72 लाख हेक्टेयर भी दे रहे हैं आगे आने वाले समय में, वो कौन करने वाला है? यही हमारे इंजीनियर साथी करने वाले हैं। सड़क के मामले में प्रदेश सरकार नंबर 1 पे अपने आंकड़े दे रही है, आखिर उस निर्माण कार्यों में सबसे छोटी जो कड़ी है वो प्रदेश के इंजीनियर। उसके बाद भी आज हमारे सारे साथी जिस पद से बढ़ती हुए उसी पद से रिटायर हो रहे हैं। तो इसी निमित्त बराबर ध्यान आकर्षण करने के बाद 16 तारीख को पूरे प्रदेश के इंजीनियर भोपाल में विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। अभी 16 को विधानसभा का घेराव रहेगा, उसके बाद 3 दिन का अवकाश है। 20 तारीख से क्रमिक अनशन भोपाल में फिर शुरू होगा 25 तारीख तक, और उसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं सुना तो 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे प्रदेश के चले जाने वाले इंजीनियर। दुर्भाग्य मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रदेश के मुखिया की पकड़ देखिए कि ये आदेश निकाला है उन्होंने, आज 1 साल होने को आ रही उनकी रिपोर्ट ही नहीं आ पा रही। हमारी 5 सूत्री मांगों के लिए हम शासन से काफ़ी लंबे समय से अन्य विनय करते आ रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री महोदय ने गत वर्ष 10 अप्रैल को हमको आश्वासन दिया था कि आपकी मांगें बिल्कुल जायज़ है और उन मांगों को हम हर हाल में पूरा करेंगे। इसी निमित्त उन्होंने एक कमेटी बनाई, आज 1 साल होने को आ रहा है। 13 अप्रैल को आदेश निकले थे उस कमेटी के, वो कमेटी के आदेश मैंने आप लोगों को दिए हैं और उसके बाद भी आज दिनांक तक हमारी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये वो आदेश है जिसमें वो कमेटी बनी हुई है, इसमें पूरे प्रदेश के जो सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और वित्त सचिव जो है इसके अध्यक्ष थे, लेकिन आज तक
11 माह होने के बाद भी हमारी 5 सूत्री माँ जिसमें कोई आर्थिक बोझ नहीं है। अगर बात अगर आपकी माँओं को पूरा नहीं किया जाता तो आप क्या करेंगे? 26 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल, अभी विधानसभा का घेराव, उसके बाद 20 तारीख से हमारा क्रमिक अनशन चलेगा 25 तारीख तक, और 25 के बाद 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे प्रदेश के 12,000 इंजीनियर आंदोलन पर आ जाएंगे, जिसका पूरा जिम्मेदारी इस प्रदेश सरकार की होगी। अगर उससे कोई विकास में अवरूपता होती है उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज जिला मुख्यालय पर किया गया। इस कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस कार्यशाला में उपस्थित जनों ने सरकार की कई महती योजनाओं के लाभ हासिल करने एवं दूसरों को इन योजनाओं तक पहुँचाने के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी गयी। कार्यशाला है तो इसमें क्या चार संस्कृत थी, तो ये चार दो प्रदेश से आई और दो यहीं की थी। तो ये महिलाओं का ये मतलब पढ़ाई के बारे में सरकार की योजना बताना, क्योंकि गांव से जो महिलाएं आती हैं ना तो वो जानती नहीं है, तो उनको ये सिखाना। माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन ग्वालियर के तत्वावधान में चलाई जा रही लाइफलाइन एक्सप्रेस में आज बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये लाइफलाइन एक्सप्रेस गुना रेलवे स्टेशन पर विगत 3 मार्च से आगामी 19 मार्च तक रहेगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की जटिल रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। साथ ही इस लाइफलाइन एक्सप्रेस का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ के अध्यापक भगवत झा द्वारा लिपिक सत्येंद्र राठौर के साथ अभद्रता किए जाने के मामले में आज सत्येंद्र राठौर अपने सहायक कर्मचारियों के साथ जाकर कलेक्टर से मिले। यहां उन्होंने कलेक्टर राजेश जैन से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अभद्रता करने वाले अध्यापक पर कार्रवाई करने की मांग भी की। ये शासन वरिष्ठ अध्यापक भगवत झा आया और जिसमें लकड़ी करने लगा, शासन के आदेश की अभिलक एक क्रम में कहने लगा हमें कोई पुरानी तनखा दो, बाकी शासन के आदेश हो हमने प्रतिशत निर्धारण किए, हम शासन के आदेशों का पालन करेंगे, हमने एक आध मान में उतारू हो गया और काली गलोज की जान से मारने की धमकी दी। किसने? भगवत झा वरिष्ठ अध्यापक शासकीय उमाई फतेहगढ़। इस पे आपने कलेक्टर साहब को बोल आश्वासन दिया कलेक्टर साहब क्या बोला? कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग में लिखित हैं, उनके साथ भगवत झा अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, शासकीय नियमों नहीं राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नहीं, लिपिक द्वारा शासकीय आदेशों का पालन किया गया, उसके विरोध में उनके द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया गया,
जिसकी हम निंदा करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार आपसी कर्मचारियों के साथ नहीं होना चाहिए। इस संबंध में आज हमने कलेक्टर साहब से भी अनुरोध किया है, उनने भी हमको आश्वासन दिया है कि हम संबंध में डीओ से उसको निर्देशित करेंगे। इस प्रकार की घटना की हम निंदा करते हैं, लिपिक कर्मचारी संघ की। लुधियाना में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।